आयकर विभाग के सौजन्य से सुजानपुर शहर में व्यापारी वर्ग के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में विभागीय अधिकारी कौशल कुमार व निरीक्षक गुलाम मोहम्मद ने विशेष रूप से शिरकत करते हुए विभाग की विभिन्न योजनाओं जानकारियों के बारे में अपने विचार व्यापारी वर्ग से साझा करते हुए जानकारी देते हुए विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है। भारत सरकार की मुहिम के तहत करदाताओं को आयकर विभाग द्वारा छोटे छोटे कस्बों में जाकर जागरूक किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना सुनिश्चित करें, जिससे उन्हें लाभ मिलेगा। समय पर रिटर्न भरने के साथ अपनी आय का सही आंकलन करें और एडवांस टैक्स भरने में भी सहयोग करें। निरीक्षक गुलाम मोहम्मद ने आयकर विभाग के अधीन नियमों व आयकर पर प्रणालियों पर लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस शिविर में व्यापारी वर्ग ने भी रिटर्न भरने एवं अन्य जानकारियां सवाल जवाब के माध्यम से विभागीय अधिकारियों से ली और उनका मौके पर भी समाधान पाया। सुजानपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष शैलेन्द्र गुप्ता ने ऑनलाइन पेमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा की। वहीं विकास महाजन द्वारा एक सवाल में पूछा गया कि जो लोग पैन कार्ड बनवाते हैं, क्या उन सभी को रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जिसके ऊपर विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2.5 लाख की ज्यादा इनकम वाले लोगों को रिटर्न भरना जरूरी कर दिया गया है और अगर पैन कार्ड बना है तो उसकी रिटर्न भरी भी जा सकती है। इस मौके पर विभाग की शुभम योजना के बारे में विस्तृत जानकारी व्यापार मंडल ने ली। विभाग के अधिकारी अपने संबोधन में व्यापारी वर्ग को इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आह्वान किया और कहा कि अपनी आय को विभाग से छिपाएं नहीं। सीनियर सिटीजन वर्ग के लिए 3 लाख तक टैक्स फ्री सीमा है, जबकि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक की टैक्स फ्री सीमा है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापारी वर्ग को किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग के नंबर पर सूचना प्राप्त की जा सकती है। इस मौके पर राज्य प्रतिनिधि गौरव जैन, विनोद कुमार, व्यापारी मंडल में अंकुश गुप्ता, सुधीर भटनागर, व्यापार मंडल पूर्व महासचिव प्रदीप गुप्ता, भुवनेश्वर गुप्ता, शशिराज महाजन, नरेश गुप्ता, मुकेश महाजन के साथ साथ सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। आपके बारे में सूचना या जो भी चीज आती है उसके बारे में बताता रहता है। फिर भी हमारे को हर साल टारगेट होता है कि आप लोग पब्लिक के बीच जाए और कभी व्यापारियों से मिले, उनसे उनको कोई पहचान नहीं आ रही तो उसके बारे में उनसे बात करें, ताकि उसका कोई सोल्यूशन निकल सके। और जहाँ तक आप लोग सभी आयकर नियमों के बारे में जानते हैं, सारे टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो टैक्स नहीं देते हैं, अधिकतम की आयकर योग्य नहीं है या वो अभी थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट किया होगा।